फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और अभी बजे सुबह के 8 और मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि आज सुबह जब जागे ना तो ऐसा लग रहा था कि आज वेदर कुछ अलग है, तो सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कहीं काले काले बादल है तो कहीं खुला आसमान, तो बस ऐसा है। ये देखिए कितने घने बादल है इस तरफ, तो देखिए बहुत से काले बादल है, जैसे अभी बारिश आएगी इसे। तो ऐसा मौसम है आज, इस बार तो पता ही नहीं चला। सर्दियों में भी बारिश हो रही है तो विंटर है या मॉनसून कुछ पता ही नहीं चला, और ऐसा मिक्स वेदर चल रहा है। तो कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हो गई हूँ एकदम फ्री, और अभी 11:30 बजे है, और माला भाई के साथ मेरे मौसा होटल चले गए हैं, अश्विन भी होटल चले गए हैं, और अभी मैं और मौसी दोनों पैदल जा रहे हैं, और बाप भी घर पे है, तो चलिए चलते हैं होटल पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम पैदल चल के जा रहे हैं होटल पे, और कल मैंने बोला था ना कि ये मंदिर के पीछे के हिस्से में जो नदी आती है वो मैं आपको दिखा, ये है वो नदी, लेकिन अभी ये बस इतनी ही है। जब बारिश होती है तो ये नदी ज़्यादा रहती है, लेकिन अभी तो जैसे गर्मी आएगी तो ये बिल्कुल सूख जाएगी। तो ये वाली जो नदी है वो मंदिर, जो कल हम गए थे मुरली मनोहर जी के मंदिर पे, वो मंदिर के पीछे वाले हिस्से में यही नदी जाती है, उतावली नदी इसको बोलते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं, और ये मौसी, हमारी मौसी, तो हम दोनों अभी चलते चलते जा रहे हैं होटल पे। तो अभी हम पहुंच गए हैं होटल पे, और यहाँ पे सब बैठे हैं। कैसे हो, क्या कर रहे हो? दवाई बाँच रहा। कैसे हो का जवाब नहीं मिला, दवाई बाँच रहा हो वो ठीक है। ओके, तो आज कुछ नया रेसिपी बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज शाम को हम कुछ नया रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि आज अश्विन का मूड नहीं है, तो उसका मूड लाने के लिए कुछ अच्छी सी चीज बनाएंगे और उसको खिलाएंगे, तो आपको भी हम वो रेसिपी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बजे है और हम आ गए होटल पे, और मेरे मौसा और मौसी वो भी दोपहर को 2 बजे जूनागढ़ के लिए निकल गए हैं, और अभी मैं एक रेसिपी बनाने वाली थी, तो उसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट चाहिए था वो आज नहीं मिला है, तो वो नहीं बना पाऊँगी। और बाकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, सर्दी जुकाम वगैरह हो गया है, तो अश्विन का भी मूड नहीं है, तो आज किसी का भी मूड ऐसे है नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको आज जो रेसिपी बताने वाली थी वो मैं कल बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मसाला डोसा। तो मसाला डोसा कैसे बनता है वो चलो हम देखते हैं। ये देखिए, ये डोसा जो मेन ना, इसको ऐसे जो घुमाते हैं ना, यही मेन है, एक बार ये आ गया ना तो फिर मस्त। और ये बैटर है, बेसन और रवा दोनों मिक्स करके ये बैटर बनाया है, तो उससे ये डोसा बन रहा है। हम जो घर पे बनाते हैं ना डोसा, तो उसमें चावल का बैटर बनाते हैं, लेकिन वो हम घर पे ही बनाते हैं, और होटल में जो परफेक्ट कारीगर रहेगा ना, वो ये रवा का जो बैटर रहेगा ना, वो भी पेपर निकाल पाएगा अच्छी तरह से। तो ये देखा ना, ऐसा है सब। ये अभी इसके ऊपर डाला है तेल, ऑयल। अभी ये प्याज, जो लोग प्याज नहीं खाते वो इसको स्किप कर दो। फिर ये है आलू, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये है मिर्ची पाउडर, ये गरम मसाला, हाँ ये सॉरी ये गरम मसाला था, अभी जाएगा मिर्ची पाउडर। अभी ये सब मसाले के ऊपर डालेंगे ऑयल,
और इसको ऐसे मैश कर रहे हैं, सब चीज मिक्स हो जाएगी। इसीलिए ये देखिए, अभी ये डाला है नमक, लास्ट में नमक डाल दिया है। और अभी देखना इसको ऐसे लपेट देंगे। ओ वाओ, अभी काटो, ये देखो काटने का स्टाइल देखो आप। और यहाँ पे हमारे बाला भाई बना रहे हैं आज मंचूरियन, क्योंकि अश्विन बैठे थे बाहर और उसकी तबीयत पता है ना, बस वैसी थोड़ी लूज है। तो ये बाला भाई अभी मंचूरियन बना रहे हैं, देखिए चकाचक। सर्दियों में ऐसा मंचूरियन खाएंगे ना तो सर्दी हट जाएगी। अब ये लीला कांदा भर भर के डाल रहे है भाई, अभी देखना। ओ जो खाते है उसको तो मुंह में पानी आ रहा होगा। तब ये है पार्सल, तो ये डिब्बे में हम पार्सल करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और कल जो मैं नई रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो आज बनाने वाली थी वो कल बनाऊंगी, तो देखना ना भूले। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं कल।